Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So students, in our previous class we have learned about the teeth and their care, right? Now we'll continue our class. Today we learn about the kinds of the teeth. Okay, so take out page number 188 in your science readers. Kinds of teeth, let's see what are the different kinds of the teeth. ठीक है, दांतों की कितनी किस्में हम देखेंगे. So teeth and not bones are the hardest and toughest part of your body. Okay, teeth और bones जो है हमारे body के toughest और hardest parts हैं. So you have cutting and biting teeth or the incisors, then tearing teeth or the canines, and chewing teeth or the premolars and the molars. Okay, so these are the four types of the teeth: incisors, canines, premolars and molars. Okay, have you noticed when you bite an apple you use your front teeth, right? We are using our front teeth to bite. Then cutting and biting teeth, and then push the apple pieces to the side of the mouth to chew. Okay, जब हम चबाते हैं तो पहले जो है, इमेजिन कीजिए आप एप्पल खा रहे हैं. एप्पल को आप कैसे कट करते हैं? पहले अपने फ्रंट टीथ से उसको कट कर लेते, राइट? उसके बाद उसको पुश करते हैं, एप्पल के पीसेस को जो है पुश करते हैं साइड वे में चीविंग के लिए. ओके, सो यू सी हियर, दिस इज द स्ट्रक्चर. दिस आर नोन एज द इनसीजर्स. ओके, देन द साइड टीथ, दीज आर द केनाइंस. देन प्री मोलार्स एंड मोलार्स. मोलार्स मीन्स दाण, जो स्टार्टिंग के जो रहते हैं वो दांत होते हैं, और जो पीछे साइड होते हैं वो दाण होते हैं. ओके, देन काइंड्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ, दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द टीथ: इनसीजर टीथ, केनाइन टीथ, प्री मोलार्स एंड देन मोलार टीथ. नाउ विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ. ठीक है, दो द टीथ आर द फोर डिफरेंट काइंड्स एंड वेरी इन शेप. सो वी हैव द फोर टाइप्स ऑफ द टीथ, देन दे ऑल आर बिल्ड इन द सेम वे. अवर टीथ आर बिल्ड इन द सेम वे ओनली. देन द टीथ आर हेल्ड इन प्लेस इन द गम्स बाय रूट्स. हमारे जो टीथ हैं वो हमारे गम्स में रहते हैं, उसके जो रूट्स हैं वो गम्स के अंदर रहते हैं. गम्स मीन्स मसूड़े, मसूड़े के अंदर से ही वो रहते हैं, और उनके जो टीथ्स के जो रूट्स हैं वो मसूड़े के अंदर होते हैं. देन मिल्क टीथ हैव शॉर्ट रूट्स. जो दूध के दांत होते हैं ना, उनके जो रूट्स होते हैं वो शॉर्ट रूट्स होते हैं. इन एडल्ट्स द रूट्स ऑफ टीथ आर लॉन्गर और बिगर देन द टॉप पोर्शंस. जो एडल्ट्स में जो है टीथ के जो रूट्स होते हैं वो लॉन्गर भी होते हैं और बिगर भी होते हैं. देन द टॉप पोर्शन ऑफ टूथ इज कॉल्ड द क्राउन. टूथ का जो टॉप पोर्शन होता है, ये वाला ऊपर का जो हिस्सा है, उसको क्राउन बोलते हैं. देन द साइड इनसाइड ऑफ अ टूथ इज सॉफ्ट, इट इज कॉल्ड द पल्प. टूथ के अंदर ये जो इनसाइड जो सॉफ्ट पोर्शन है, इसको पल्प कैविटी बोलते हैं. देन हैव इट्स ओन नर्व्स एंड ब्लड सप्लाई. इसके जो है नर्व्स और ब्लड सप्लाई उसके ओन रहते हैं. व्हेन योर टूथ एक्स, इट इज द नर्व्स ऑफ द टूथ, देन टेल द ब्रेन अबाउट इट. जब आपको कैविटी होती है या फिर टूथ एक होता है, यानी कि दांतों में जब दर्द होता है, तो वो नर्व्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं कि यहाँ पे इसको पेन है. बल्कि नाउ विल सी द एनिमेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ. स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, द टीथ आर हेल्ड इन प्लेस इन द गम्स बाय रूट्स. द टॉप पोर्शन ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड द क्राउन. द सॉफ्ट इनसाइड ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड the pulp cavity. It has its own nerves and blood supply. So this is the top portion, this is known as the crown, and then this is the enamel, and this is the soft portion, and this is known as the pulp cavity. These are the blood vessels, and these are the nerves, and these are the roots of the tooth. I hope you understand about the kinds of the teeth and the structure of the teeth also. Thank you.